थर सब उगा रहा है ये मंदिर। कंपोज भाई आज जो है 16 तारीख है, 16 आज 16 है, कल 17 है, कल आज सफाई हो जवाब गुरु भैया ला जवाब हो। कंपोज भाई आज जो है 16 तारीख है, आज जानते हैं आज 16 है, कल 15 है, कल आपके नानी जी की 13वीं है। पंपोज भाई एक बार 13वीं में जो सहयोग राश मिली है नानी जी के, एक बार आप नाम बता दीजिए। नाम शेखर दुबे। शेखर दुबे। सुजानगंज। प्रेम का पूरा जन का लाए थे भैया सुजानगंज से। हाँ 251 रुपए दिए। 251 उनके तरफ बहुत बहुत भैया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंपोज भाई संतोष दुबे भाई है, संतोष भैया दुबे अकबरपुर से है, अकबरपुर इस टाइम नोएडा में रहते लोएडा। हाँ 101 रुपए दिए, धन्यवाद। 101 रुपए दिए भैया तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। विकास दुबे निवासी बैजरामपुर जिला जौनपुर मुंबई में रहते हैं। 251 रुपए भेजे हैं भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। बिलाल सिद्दीकी आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ दुबई में रहते हैं, दुबई 201 रुपए दिए, धन्यवाद। 201 रुपए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश यादव मुंबई में रहते हैं मानखुर्द। 100 रुपए दिए, धन्यवाद। 100 रुपए दिए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई अपने भाई हैं धर्मेंद्र जी मुंबई के मानखुर्द में रहते हैं। 200 रुपए दिए, धन्यवाद। 200 रुपए दिए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई गर्व इंटरप्राइजेस प्रमोद कुमार यादव जी हैं। गाँव झारी पोस्ट जंघई जिला प्रयागराज मुंबई में रहते हैं पनवेल में। हाँ 200 रुपए दिए, धन्यवाद। 200 रुपए दिए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई अपने भाई हैं उमेश यादव मुंबई में रहते हैं मानखुर्द। हाँ तो 100 रुपए दिए, धन्यवाद दीदी। 100 रुपए दिए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। और पंपोज भाई अपने भाई हैं किशोर काका मुंबई मानखुर्द में रहते हैं 200 रुपए दिए, धन्यवाद। 200 रुपए दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रिंस पंडित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पता रायगढ़ कुंडा प्रतापगढ़ 500 रुपए दिए, धन्यवाद। 500 रुपए दिए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश यादव गांव संत कबीर नगर मेहता से हैं 151 रुपए दिए, धन्यवाद। 151 रुपए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई सुनील सिंह जी हैं, सुनील सिंह पालघर मुंबई में रहते हैं और संतोष भैया 12 दिसंबर के जो है 100 रुपए भेजे रहे, स्क्रीनशॉट हमारे लगे ना भेज पाए रहे, उन्होंने धन्यवाद दे दिया। उन्होंने भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, जो लोग पंपोज भाई के लिए सहयोग राज भेजते हैं तो मेरे मैसेंजर पर अपना नाम पता और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जरूर उनका नाम हम जान पाए, नहीं तो पता ही नहीं लगता। लोग मैसेज करते हैं कि भाई मेरा नाम नहीं बुलवाया, तो आप लोग जो भी लोग भेजते हैं मैं अगर उनको अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूं तो आप लोग उस पर भेज दीजिए, नहीं तो मेरे मैसेंजर पर अपना नाम पता स्क्रीनशॉट आप जरूर भेजिए, जरूर। हाँ तो पंपोज भाई उसके बाद जो है अपने भाई हैं पंकज यादव पंडित महुली इस टाइम जो है पंपोज भाई सिलवासा दमन में रहते हैं, पाँच सौ एक रुपए दिए धन्यवाद 501 रुपए दिए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सदैव बना रहा है। पंपोज भाई अपने भाई हैं शिव मिश्रा सुल्तानपुर 501 रुपए दिए थे, 501 रुपए की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों का। पंपोज भैया अपने भाई हैं सचिन शुक्ला नागौर जिला सतना मध्य प्रदेश इस टाइम दिल्ली में रहते हैं, मनोज भैया इस टाइम दिल्ली में रहते हैं, इस टाइम दिल्ली 251 रुपए दिए, 251 रुपए आया हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों का। पंपोज भाई अपने भाई हैं क्या नाम है अक्षय यादव मुंबई कुलाडा झारखंड से हैं ग्राम गोपाड़ी पोस्ट चल उसका 151 रुपए दिए, धन्यवाद। 151 रुपए दिए तो भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। पंपोज भाई अपने भाई हैं अनुराग वाजपेयी रायबरेली अभी मुंबई में रहते हैं 111 रुपए दिए, धन्यवाद। 111 रुपए दिए भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। पंपोज भाई लोग आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। जी भैया कर तो रहे हैं, मदद तो कर रहे हैं, गरीबों के लिए मदद तो कर रहे हैं, ये बात ही तो रही, अच्छे सो जाए बस।
बढ़िया बाकी सब व्यवस्था होगी भाई, ये तेरा ही व्यवस्था हो गया कंपोज भैया, मनोज हो बैठा है जान ले भैया, गरीब के सहयोग कर दे हम क्यों ना करें जान ले भैया सही है ना, मंदिर देखा हमारे वो जस बन गया सही है। विनोद भैया कहे थे हमारे वीडियो बनाए थे, कहे थे विनोद भैया पांच फोड़ा मार के मंदिर बनवाए सही है। फिर उसके बाद विनोद भैया के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कदी भैया चलावे अभियान न्योता है चलावे सब कदी नहीं, ये अच्छे से हो गया बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुए लाजवाब एकदम सुंदर खाना एकदम। आज जो है 16 दिसंबर है पंपोज भाई, आज दला बाबा धाम पर निर्माण हो रहे भोलेनाथ जी के मंदिर में पंपोज भैया देखा पीओपी काम आज से स्टार्ट हो जान गए, पीओपी काम तो है ये आए बेचारे पीओपी काम कर रहे थे, पीओपी काम कर रहे थे, पेंटों काम कर रहे थे, देखा चाली ओली भैया चाली ओली तो बांध है देखा वाह चाचा वाह बहुत बढ़िया मेहनत कर दे है पंपोज भाई, देखा चाली बाना था चाली बहुत बढ़िया लागत है बांधे में एक नंबर लागत है सुंदर लागत है लाजवाब लागत है एकदम बढ़िया हमका लागत है जैसे मंदिर मंदिर सजी जात हुए राम सिंह चाचा कई हजार दिन रहे हाँ जानते हम भी खड़ा रहे हमें सामने दे रहे 1000 तो दे रहे हमका दे रहे लोधियो शायद दे रहे लोधियो हमका 1000 लोधियो 1000 तो अपन लाइए बैंक में डाल। आप लोग देख लीजिए आज 17 तारीख है, आज 16 तारीख है, कल पंपोज भाई के नानी जी की 13वीं है, तो आज हमारे दला बाबा धाम पर भोलेनाथ जी के मंदिर में जो है पीओपी का काम जो है छत पर किया जाएगा, तो इसी क्रम में जो है चाहली वगैरह सब बांधी जा रही है, तो आज से पीओपी का काम स्टार्ट होगा, लगभग 4 से 5 दिन पीओपी करने में जाएगा, उसके बाद ये पत्थर मैंने ढक कर रख दिया है बाकी टाइल्स है, तो बुधवार से जो है भोलेनाथ जी के मंदिर में मार्बल पत्थर लगेगा, उसके बाद ये ग्रेनाइट पत्थर जो है सीढ़ी पर रहेगा, और पंपोज भाई बीच बीच में ग्रेनाइट पत्थर की डिजाइन दी जाएगी डिजाइन। तो पंपोज भाई तेरही को लेकर क्या व्यवस्था है, कल तो 13वीं है, कैसे क्या देख रहे हैं आप इस बारे में? गुरु भैया हम वो देखा भी हो देखा दोनों चीज देखा, एक कहे थे घरे देखा मंदिर देखा मंदिर पंपोज भाई तुम बनवा बता हम जानते हमारे बनता है, कहे तो विनोद भैया पांच फोड़ा मार के तब बनवाए ने बेचारे बहुत अच्छा तुम्हारे वीडियो देख के विनोद भैया तब मंदिरियो बना डाले हो गए देखे होंगे विनोद भैया खुशी होंगे कहे वहा पंपोज भाई वाह बहुत खुशी हो गया होंगे विनोद भैया पंपोज के लिए मंदिर बन गया है पीओपी काम हो गया बस पंपोज देखा कल 2-3-4-5 दिन और लागे पीओपी काम लागे जानता गुरु भैया देखा कल जब नानी तोरे तेरही बीत जाए ना बीत जाए कल तो बाद मंदिर पे पूरा समय देखा है भैया का समय देखा वो देखा भी यो देखा रोज आओ देखा 5 तारीख के टिकट रहा चलवाइया रहे उज्जैन कपड़ा पड़ा भरे रहे सब हम कह चली उज्जैन देखे तीन खत्म हो गए 4 खत्म 12 बजे तू है कहा था ना नहीं तब ले चला गए तो उज्जैन चला आवा जाए 5-6 दिन नाथो चाहत रहे ने कि जब तक नीचे फर्स न बन जाए पत्थर न लग जाए पीओपी न हो जाए तब तक भोलेनाथो चाहते हैं कि हम यहाँ ना आई ना आई सही है जब भोलेनाथ पूरा बन जाए तब जो ना है गोचारे यहाँ पूरे दिवालिया भारे हम एक ही जो टाइल्स लागे ना बिना गोचारे यहाँ कथन गोच गोच जा रहे हैं तार से हमको लगता है तार से गोच गोचा रहे हैं तो पंपोज भाई आगो आवा एक मिनट पंपोज दिखाई दी तो आप लोग देख लीजिए आज से पीओपी का काम हमारे पीओपी का काम हो रहा है बहुत बहुत बढ़िया पीओपी काम हो रहा है भोलेनाथ जी के मंदिर में जरूर भोले जी का नाथ में मंदिर में और पंपोज पीओपी काम बहुत बढ़िया हो पंपोज सबसे बड़ी बात यह है 1.5 से 2 लाख रुपया हम आज वीडियो देखते हैं बेचारे बेचारे बहुत अच्छा आदमी वो मंदिर में भेज चुका है भेज चुका है भैया हम जानते हैं ये बेचारे जितना है मंदिर के सब सहयोग कर दे जान ले बहुत बढ़िया कृपा है बहुत पीओपी काम का दे बहुत सुंदर काम। और एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक पंपोज प्रताप गढ़ी फर्जी आईडी है जिसपे 16,000 फॉलोअर हैं। आज सुबह उसने 17 तारीख को डीपी चेंज कर दिया है उसपे जो है हमारी अरुण चाचा दीपक लोधी वगैरह पंपोज वगैरह की जो मैंने मेन प्रोफाइल पर अपने डीपी रखा है सेम वही डीपी उसने भी अपना चेंज कर लिया है तो आप लोग पंपोज प्रताप गढ़ी वाली आईडी से सावधान रहें सतर्क रहें उससे किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो उस पर भी उनके आर्थिक सहायता के लिए भेज रहे हैं तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पंपोज प्रताप गढ़ी नाम की जो फर्जी आईडी है उस पर मेरी डीपी अरुण चाचा के साथ जो हमारी मेन प्रोफाइल हमारा सिर्फ एक फेसबुक पेज है विकास शुक्ला गुरु दली बाबा पेज और सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है विकास शुक्ला गुरु दली बाबा तो पंपोज यार जो हमारे फेसबुक पे जो विकास शुक्ला गुरु दली बाबा पेज पे रहना वो डीपी साला पंपोज प्रताप गढ़ी वाला अपने कैप लगा लेगा जानते लगा ले करे वो कुछ करे तबो ना बाबा
वही कह रहे हैं। तो आप लोग प्लीज आप लोग सावधान रहे पंपोज प्रतापगढ़ी आईडी से, मेरा वीडियो चुरा कर डालता है और मेरी डीपी लगाया है जो मेरे पेज पर है। अरुण चाचा के साथ में हमारी लोग की चंदीपुर धाम जब गए थे, सबकी डीपी मैंने लगाया था, वही डीपी उसने भी कर लिया है भैया। तो सभी से निवेदन है कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं आप लोग उस आईडी पर जाकर उसे रिपोर्ट मारिए और ब्लॉक करिए, लोगों को बताइए कि वो फर्जी आईडी है, नहीं तो बहुत सी ऐसे सहायता है जो उसके पास पहुंच जा रही है और पंपोज भाई के पास नहीं पहुंच रही। तो आप लोग उस आईडी से जरूर सावधान रहें, जरूर सावधान। यही है पंपोज भाई, मिन्नत हम आप कर रहे हैं लेकिन मजा वो ले रहा है, सब मजा तू ले रहा है, काम तू भैया कर, मजा वो ले। लोगों को समझना चाहिए, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि पंपोज प्रतापगढ़ी नाम से मेरी कोई काम आप कर, मजा वो ले उड़ावा। शुक्ला गुरु दली बाबा पेज नाम से फेसबुक पेज है, पंपोज प्रतापगढ़ी से कोई आईडी नहीं है। तो लोग तब भी नहीं समझ पा रहे हैं, और प्लीज आप लोग शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वो फर्जी आईडी है, फर्जी आईडी है। तो पंपोज भाई तो यह सब यार बताई थी लेकिन क्यों जानी ना पावत, क्यों जानी ना पावत, आप ये इतना काम करा अपन अपन मजा करे डाले बिलहरिया पूरा वगैरह सहित दे। तो कामयान भैया पूरा बिलहरिया के शायद गुगारा न्योता है पंपोट किया, कल पंपोट भाई किया, कल न्योता आज ना नहीं यार, कल है कल आज कल कहाँ है तो है कल तुम कल सुबह में एक कलिया गा रहे हैं कल शाम हाँ। कल शाम को कहन कि कल हमारे किया न्योता है अंकित भैया बहन आए हम शिकार आज पंपोस में रही है आज ना कल है आज ना कल है 17 आज और रात देखा भी हम एकदम अच्छे व्यवस्था हो गया जान ले भैया गुरु भैया माँ बात सुन ले आज एक रात और बीत ले बिहान तेरा ही तो है ये शाम की एक रात और बीत ले कामेर भैया आज सो गया शाम कैसे बीत जाए कल तो तेरा ही ना है कल तो तेरा ही ना है रात में सो गया उठ गया कामेर भैया चला कहा मंडी मंडी चलाऊ का है कल कल यार मंडी कल चला कहा है मंडी आज ना कल 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 कई बजे चला जाए भैया वो 5 बजे बजे ना पंपोज भाई 7-8 बजे 7-8 बजे चला जाए वो 9-10 बजे लौट गया मनोज भैया तो 1 मिनट इधर आवा। तो पंपोज भाई मैं बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी भूमिका मतलब कह सकते हैं कि जो खेवनहार हैं इस पूरे कार्यक्रम के हमारे मनोज भाई हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, आप पंपोज भाई के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो मनोज भैया जब बम्बई से आते हैं हमको ना चॉकलेट कुछ ना कुछ लाते हैं तो हमारे लिए बिस्कुट नमकीन लाते हैं। पंपोज भाई थोड़ा इधर हो गया। तो मनोज भाई की जो है बहुत बेशकीमती भूमिका है इस कार्यक्रम में, इनका टिकट था मनोज भाई का, उन्होंने कैंसिल कर दिया और भी मतलब जो भी कार्य हो रहा है हमेशा बढ़ चढ़ कर हमेशा आगे आकर एक गार्जियन की महत्वपूर्ण भूमिका मनोज भाई निभा रहे हैं पूरे कार्यक्रम में पंपोज भाई के, और बाकी मनोज भाई के साथ हमारी पूरी टीम लगी हुई, कहीं भी जाना हो कोई भी कार्य करना हो तो हम लोग जो है तन्मयता के साथ जो है लगे रहते हैं लगे रहे। तो मनोज भाई को मैं सलाम करता हूँ, मनोज भाई को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस तरीके से तो जो महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे मनोज भाई की है, लगातार श्रमदान कर रहे हैं आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से, निमंत्रण बांटना हो कहीं भी जाना हो कोई भी कार्य हो तो मनोज भाई के द्वारा जो है किया जा रहा है। मनोज भाई जिस तरीके से पंपोज भाई हर कार्यक्रम के लिए एकदम तटस्थ हैं, मैं मनोज भाई को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि किसी भी चीज की पंपोज भाई आपके यहां कमी नहीं होने देते। कमी नहीं हो देते बेचारे, सामान बिना दौड़ते रहते चारों कहती बेचारे दौड़ते रहते मनोज भैया जो है बम्बई से जब तो बेचारे हैं हमारे पीछे पीछे दौड़ता है। देखा तोरे एक हफ्ता बेचारे दौड़ता है। बम्बई टिकट पता है भाई कितने मिलता है एसी के? 20-30 हजार कम ना। एक टिकट 5500 को मिलता है वो हाँ। एक टिकट पड़े बाप रे हमको कबो ना टिकट ले बेचतारा 5500 कम तब टिकट लेबे ना करब हमका ले कोई 100-200 टिकट ले ले भैया टिकट कैंसिल करें 1 रुपया ना पाए 1 रुपया ना पाए तब वो देखा इतना नुकसान के रुका है तोरे कार्यक्रम बिना उनका टिकट हो गया और सब चला गया नो मारे देखा तो है कितना जब कितना कपड़ा खरीदे लत्ता खरीदे टोपी खरीदे टोपी खरीदे बेचारे बहुत मेहनत के हैं जान ले कल कल सहयोग कर दे और अच्छा लागे आज और रात और बिता ले बिहान शाम की देखा कितना कितना मनाई आवा थे फैन फैन है फैन इतना फैन है लाजवाब पंपोट प्रतापगढ़ी का पूरा
बफर सिस्टम लगा रहे एकदम बढ़िया। हम तो बाटम का जानता है, बफर सिस्टम पे लगा रहा बू का बट भैया हम पूरी बाटम पूरी दे भैया, पूरी चाहिए सब्जी चाहिए। नानी की याद ना आई तो का तेरा एक दिन नानी की याद ना आए? बहुत याद आवत हमका, बहुत याद आवत है हमका, बहुत याद आवत हमका, लागत है जैसे मेरे लगे आवत यहाँ केवाड़ा खटखट आवत यहाँ पंपोस पंपोस संतोष करती यहाँ केवाड़ा खटखट भाई। लेकिन जिस तरीके से लोग आपकी मदद करते हैं, आप मदद तो करते हैं भैया लाजवाब, आप बहुत खुशनसीब व्यक्ति हैं इस संसार में, बहुत खुशनसीब व्यक्ति हैं जिसके पास कुछ ना होने के बावजूद लोग आपको अपने पलकों पर बिठा के रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। तो एक बार पंपोज भाई आप अपने सहयोगियों को स्पेशल धन्यवाद दे रहे हैं। सहयोग भैया की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सदैव बना रहा है, खुशियाँ प्याल बना रहा है, मंदिर ज्यादा सहयोग हो गया भाई, ये कहा टाइल्स लग जाए बहुत सुंदर लग रहा। पीओपी काम यहाँ चालू है, पीओपी काम हम जाने पीओपी काम ऐसे तो पीओपी काम। पंपोज भाई मंदिर के बारे में दो शब्द आप बता दीजिए। मंदिर तो भैया बनता है जान ले बहुत सहयोग हो गया, जान ले बेचारे मदद कर दे मंदिर के, जान ले बहुत खुशी हो गया, मंदिर के माल दक्षिणा सहयोग करें मंदिर बन गया रेडी हो गया। बाकी ये टाइट वाइट लगे बहुत अच्छा लगे एकदम, सब कहिए फैला अरे बाप पंपोज भाई का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है बनवा ले सुंदर। पंपोज भाई पंपोज प्रतापगढ़ी नाम से एक फर्जी आईडी, उस पर मेरी डीपी लग गई है, तो आप लोग इसे रिपोर्ट मारिए। पंपोज भाई एक बार आप यूट्यूब के चैनल का नाम विकास शुक्ला गुरु दली बाबा सबसे दादा यूट्यूब पे सब्सक्राइब करा कर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सदैव बना रहे भाई, खुशियाँ प्यार बना रहे। पंपोज भाई लोग इतना दूर से मिलने आते हैं और तरह तरह के लोग आते हैं अलग अलग, हम तो भैया आते हैं मिलने खुशी हो जाते हैं, मिलने बात खुशी हो जाते हैं। तो इस बारे में क्या राय है, क्या क्या राय है? मिलने आते हैं हम तो माल खुशी हो जाते हैं, मिलने के बाद उनको लगे भाई लोग को बहुत खुशी लगता है मिलने के, उन्हें बेचारे आवत हैं तुरंत भाई का चाय नाश्ता बेचारे किया पिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सदैव बना है, अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख है, सुबेरे मंडी चले का है, सुबेरे मंडी चले का है, आज 9 बजे 7-8 बजे चला। भोलेनाथ जी के मंदिर में पीओपी का कार्य प्रगति पर है, तो आप लोग प्रगति पर है, यहाँ देखा शुरू हो गया पीओपी काम, यहाँ देखा पीओपी काम शुरू हो गया, बताए ना पीओपी काम ऐसे होता है सुंदर लागत पीओपी काम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, खुशियाँ प्यार बना रहे, बहुत बहुत मंदिर सहयोग कर दिए भाई। अपने एक भाई हैं जो कि बिक्कू सिंह हैं, बिक्कू सिंह निवादा मिल्खिया से, निवादा मिल्खिया 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 501 रुपए दिए थे भैया को, धन्यवाद 501 रुपए दिए थे भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सदैव बना रहे खुशियाँ प्यार बना रहे। पंपोज भाई अपने भाई हैं जो है सुरेंद्र कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार यादव। पंपोज भाई इनका घर अमेठी जिला में, अमेठी जिला भादर के पास, भादर हाँ मतलब भादर ब्लॉक के पास है, भादर के ब्लॉक पास। गांव का नाम पंपोज भाई रघईपुर है, गांव का नाम रघईपुर। और पंपोज भाई इस समय तेलंगाना में रहते हैं, तेलंगाना में, तेलंगाना तेलंगाना में रहते हैं। हाँ पंपोज भैया 1100 रुपए दिए भैया को, धन्यवाद 1100 रुपए दिए भैया तेलंगाना से, बहुत बहुत धन्यवाद। पंपोज भाई अपने भाई हैं आचार्य, आचार्य सुजीत त्रिपाठी, सुजीत त्रिपाठी प्रयागराज से हैं, प्रयागराज प्रयागराज। पंपोज भाई भैया जो है एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर है। पंपोज भाई इनका जो है यूट्यूब चैनल है, इनका यूट्यूब श्री राम एस्ट्रो के नाम से, श्री राम एस्ट्रो के नाम, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी के चैनल को, ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए पंडित को ज्यादा से ज्यादा। अपने भाई हैं अंकित पांडे, अंकित पांडे पांडे का पुरवा, पांडे का पुरवा पूरे अंति, पूरे अंति 101 रुपए दिए, धन्यवाद 101 रुपए दिए भैया की तरफ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सदैव बना रहे, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सदैव बना रहे।